जय मीरा बाबा, जय जैन कबीर, जय काली माता, जय पांचों पीर। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है बेशुमार भक्ति करने के बाद भी दुआएं कबूल नहीं हो रही। जो भक्त परेशान है, जिनकी जिंदगी में कहानियां बन रही हैं, जो कहते हैं उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, जो कहते हैं बाबा जी उनकी सुनाई नहीं कर रहे, ऐसा सोचने वाले भक्तों के लिए मैं यह वीडियो लाया हूं। सभी भक्तों से मैं गुजारिश करता हूं और यह उम्मीद रखता हूं कि सभी भक्त इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए और अपने मीरा हुजूर जैन कबीर माँ काली का नाम लेकर वीडियो हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मीरा साहब जैन कबीर से जुड़ी हुई हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय मीरा बाबा, जय जैन कबीर, जय काली माता, जय पांचों पीर। ऐ मेरे मीरा हुजूर, हर चीज पर हुकूमत रखने वाले, हर चीज पर ताकत रखने वाले, सच्चे भक्त की दिली पुकार को सुनने वाले और उनकी इच्छा को पूरी करने वाले, अपने भक्तों को मुसीबतों से बचाने वाले, तपती धूप में घनी छांव देने वाले, बड़ी से बड़ी बुरी शक्तियों को मिटाने वाले, ऐसा क्या है जो मीरा साहब जैन कबीर की जोड़ी नहीं कर सकती? ऐसा क्या है जो इनके इख्तियार में नहीं है? ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, मीरा साहब जैन कबीर के चाहने वालों, तुम क्यों मुसीबतों से घबराते हो? फिर तुम क्यों मुमकिन नामुमकिन में उलझे हुए हो? तुम क्यों इनकी सच्चाई जान नहीं पा रहे? तुम क्यों इन्हें नहीं जानते? तुम क्यों इन्हें याद नहीं करते? तुम क्यों उनका चिराग नहीं करते? वह तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, तुम्हारे लिए यहाँ मौजूद हैं। तुम क्यों सही रास्ते पर नहीं चलते? मेरे प्यारे दोस्तों, तुम बस मीरा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलो, फिर वह तुम्हें अपने जलवे दिखाएंगे। हम इंसान बहुत जल्दबाज होते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमने मांगा है वह हमें फौरन मिल जाए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे बाबा जी ने, हमारे पीर मुर्शिद ने अपने सभी भक्तों के लिए हर चीज के एक खास वक्त पक्का कर रखा है। ना उस वक्त से पहले कुछ हो सकता है और ना उस वक्त के बाद। जैसे एक बीज को बड़ा पेड़ बनने में कई साल लग जाते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे ही आप बीज बोते वैसे ही उसमें तुरंत पेड़ बाहर निकल आता, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि अभी उसका सही वक्त नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही करिश्मे तो एक दुआ पर भी हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बाबा जी अपने सच्चे भक्तों का साथ साए की तरह रहते हैं। तुम्हारे इम्तिहान के बाद सही समय के साथ तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी, हर इच्छा पूरी होगी, पर वो वक्त अभी नहीं है। कभी भी किसी का भी वक्त आ सकता है। मीरा साहब वो अजब शक्ति है जो अर्श पर बैठे व्यक्ति को फर्श पर ला सकती है और फर्श वाले व्यक्ति को अर्श तक पहुंचा सकती है। मीरा हुजूर जैन कबीर जिनके कुल देवता हैं या पीर हैं या कोई भी भक्त बाबा जी से दुआएं करते हैं, वह सब्र के साथ इंतजार करें। बाबा जी किसी की मेहनत का मुआवजा नहीं रखते। यकीनन बाबा जी आपके इस इंतजार के बाद आपके सब्र और भक्ति का, आपके प्रेम का पूरा सिला देंगे। तो बस बाबा जी पर विश्वास बनाए रखो, थोड़ा सब्र रखो। ये सब्र तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हारे वजूद को हिलाकर रख देगा, तुम्हें इतना थका देगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ कोई कहानी लिखी जा रही है। लेकिन तुम फिर भी दुआ मांगना नहीं छोड़ना, तुम कभी भटक मत जाना, तुम बाबा जी को पुकारना मत छोड़ना, उन्हें याद करना मत छोड़ना। आजमाइश में तुम्हें हिम्मत हार जाने की हर मुमकिन वजह देंगे, लेकिन तुम्हें बाबा जी की मोहब्बत के लिए आगे बढ़ना है। तुम्हें बाबा जी का वादा याद रखना है, तुम्हें यह याद रखना है बाबा जी विश्वास और सब्र करने वालों को पसंद करता है। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना है कि विश्वास और सब्र रखने वालों का हमेशा साथ निभाने का वादा किया है। तुम्हें बाबा जी की वादों पर यकीन रखकर आगे बढ़ते जाना है, बाबा का हाथ थामे आगे बढ़ते रहना है, उनकी सेवा पूजा बंदगी करते जाना है। सब्र और कुछ नहीं, देने से पहले की एक आजमाइश होती है। मीरा हुजूर फरमाते हैं, वह कहते हैं कि मैं बेहतरी से पहले की
देरी करता हूँ और उन्हीं को आजमाता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। या मेरे मीरा हुजूर, मेरे जैन का वीर, आप मेरे नसीब में वह लिख दें जिसकी मुझे चाहत है, वह दुआ जो मेरे दिल से निकली है, जो मेरे वजूद में है। आप हमारे दिल की हाल तो जानते हैं, आप अपने भक्तों का हाल को बेहतर जानते हैं। मुझे वह दो जिसकी तमन्ना मुझे बेहद सुकून देती है। बेशक आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे बादशाह हैं, आप हमारे कुल देवता हैं, आप हमारे पीर और मुर्शिद हैं। बोल मीरा बाबा की जय। जब दुआओं में हाथ उठाते वक्त तुम्हारा दिल बार बार कबूल नियत का यकीन दिलाए, तो समझ जाओ यही इशारा है कि तुम्हें मांगते रहना है। क्योंकि दिल को पक्का यकीन तभी होता है जब बाबा तुम्हारी दुआएं कबूल करना चाहते हो। तुम्हें यूं बार बार यकीन आ जाना भक्तों, मुरीदों को दिल में हर बार उम्मीद का आ जाना, फिर तुम्हारी दुआएं मांगना इस बात की दलील है बाबा के दर से मदद जल्द तुम तक पहुंचेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कभी तुम थक जाओ तो कभी मायूस न होना। अपने दिल पर हाथ रख कर अपने मन में बाबा जी से गुफ्तगू करना, इस सफर की जुस्तजू करना। ये अक्सर हो भी जाता है कि भक्त बाबा का मुरीद थक भी जाता है। प्यारे दोस्तों, मुकद्दर को बुरा जानोगे तो ये हो भी सकता है, मगर तुम हौसला रखो, सिलसिला चालू रखो। जिसे खालिक समझते हो बस उससे राबता रखो। प्यारे दोस्तों, जो तुम दुआ मांग रहे हो हकीकत में तो वह दुआ तो कब की कबूल हो चुकी। बाबा जी देर इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारा और बाबा का रिश्ता पक्का बना रहे। भक्त या मुरीद का बाबा से रिश्ता बरकरार रहे, यानी यकीनन कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। दुआओं का कबूलनामा तुम्हारी नियत की निशानी है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अगर तुम थोड़ी सी आजमाइश से डरकर अपना यकीन हार कर बैठ जाओगे तो तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होंगी, कैसे तुम अपने बाबा जी को पा सकोगे। मीरा हुजूर, जैन कबीर के चाहने वालों, उन्हें मानने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, कबूल नियत का एक उसूल है कि बाबा जी पर विश्वास रखो, सबर रखो, तुम्हारी दुआएं जरूर कबूल होंगी। बस सबर रखो, दुआएं करते रहो, सब कुछ बाबा पर छोड़ दो। मुस्कुराने और खुश रहने की कोशिश किया करो और यह यकीन रखो, जो जमीन से नहीं हो सका आसमान से जरूर होगा। बोल मीरा बाबा की जय। बोल जैन कबीर की जय। ऐ मेरे मालिक, मेरे हुजूर मीरा साहब, दुखियों को सहारा दे, इनकी जिंदगी में खुशियों की बहार ला, दुख परेशानियों से इन्हें निजात दिला, भटके को अपनी शरण में ला और उसे सही रास्ता दिखा। प्यारे दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मीरा बाबा के भक्तों तक इसे ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मीरा साहब और जैन का वीर से जुड़ी हुई हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय मीरा बाबा, जय जैन का वीर, जय काली माता, जय पांचों पीर।